रामपुर के आदर्श नगर पंचायत मसवासी के चेयरमैन हरिओम मौर्य के अथक प्रयासों से नगर पंचायत मसवासी को 108 एम्बुलेंस सेवा की प्राप्ति हुई, जिसका चेयरमैन हरिओम मौर्य ने विधिवत फूल मालाओं से स्वागत किया एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आदर्श नगर पंचायत मसवासी के चेयरमैन हरिओम मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार से नगर एवं क्षेत्र की चिकित्सा की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है और नगर पंचायत मसवासी को 108 एम्बुलेंस प्रदान कर दी गई। उन्होंने कहा कि काफी समय से नगर एवं क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी दिक्कतें आ रही थी। लोगों को इलाज के लिए एम्बुलेंस 108 की बहुत आवश्यकता थी। यह एम्बुलेंस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें 4 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अकल्पनीय कार्य किया गया है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा भी प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नारा हमने दिया, पार्टी ने, हमारे नेताओं ने दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो यहाँ पर लंबे समय से जो नगर पंचायत और हमारा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से दूर था और कोई यहाँ इमरजेंसी, कोई दुर्घटना घटना या कोई महिला की डिलीवरी का केस हो, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता था तो घंटों में हमें सुविधा उपलब्ध होती थी, क्योंकि यहाँ से स्वार भी दूरी है और टांडा की भी 20-22 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए इस समस्या को देखते हुए हमने शासन और प्रशासन को अवगत कराया, क्योंकि हमारा क्षेत्र उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और सुल्तानपुर पट्टी तक हमारा हसनपुर पट्टी कला, हसनपुर उत्तरी काफ़ी दूर पड़ता है। इन सब गांवों की समस्याओं को हमने अवगत कराया तो हमें शासन प्रशासन ने हमें 108 की सुविधा, जिससे कि जो घंटों के काम हुआ करते थे अब मिनटों में वो एम्बुलेंस सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। इससे हमारे नगर के साथ साथ पूरे क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है और यहाँ कई ऐसी मूलभूत सुविधा थी, जैसे कि यहाँ पर परिवहन विभाग की रोडवेज सेवा हमें नहीं मिलती थी। हमें जैसी सरकार बनी और हमें जनता ने यहाँ चेयरमैन बनाया, हमने उसकी डिमांड रखी, हमें मसवासी से बरेली के लिए रोडवेज की सुविधा मिली और जितनी मसवासी होकर जाने वाली उत्तराखंड की बसें, उनका स्टॉपेज, उनका ठहराव और उनका टिकट मसवासी कराने का काम, मसवासी से कराने का काम किया गया। और जो भी मूलभूत सुविधाओं से यहाँ वंचित है कि क्योंकि यहाँ पर एडिशनल PSC है, बहुत जल्दी हम प्रयासरत हैं कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एडिशनल PSC की जगह यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जल्दी हमारे नगर और क्षेत्र की जनता के लिए, शासन से हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये हमें मिलेगा। और कन्या इंटर कॉलेज यहाँ नहीं है, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी ये सुविधा भी हमें मिलने वाली है। और हमने अभी सरकार से, हमें शासन से यहाँ पर एक गौशाला ही मिली है, उसका निर्माण कार्य भी यहाँ शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर जनता वंचित है, हम पूरे प्रयासरत हैं, हमारा संघर्ष रहेगा जब तक यहाँ पर जन जन तक हर सुविधाओं का लाभ हम सरकार की नहीं पहुँचा दे तो चैन से बैठने वाले नहीं है, हम पूरे प्रयासरत रहेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।